तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे Asus के Zenfone 2 को Marshmallow में कैसे अपग्रेड करेंगे। Zenfone 2 Asus का एक बहुत ही फीचर रिच स्मार्टफोन है जो Intel प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें Intel का प्रोसेसर लगा हुआ है जो गेमिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड के लॉलीपॉप वर्जन के साथ आया था और अभी तक इसके लगातार अपडेट आ रहे हैं। कंपनी इसके लगातार अपडेट देती जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने इसको मार्शमेलो में अपग्रेड करने के लिए भी अपग्रेड लॉन्च किया है, लेकिन वह अभी तक ओटा के जरिए भारत में अवेलेबल नहीं है। यस, इसे आप सिर्फ मैनुअली अपग्रेड कर सकते हैं। ओटा के जरिए अगर अपग्रेड होगा डायरेक्ट आपका मोबाइल में डाउनलोड हो जाता और अपडेट हो जाता, लेकिन मैनुअली अपग्रेड करने के लिए इसकी अपग्रेड फाइल आपको इसके साइट पर जाकर डाउनलोड करनी होगी और उसके कुछ प्रोसेस हैं, उसके बाद ही आप अपना मोबाइल फ़ोन Zenfone 2 को जो है मार्शमेलो में अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम अपने Zenfone 2 को मार्शमेलो में मैनुअली अपग्रेड कर पाएंगे। तो पहले इस फ़ोन की एक झलक देखते हैं, उसके बाद पूरा प्रोसेस हम आगे देखते हैं। मैनुअल अपडेट डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले google.com पे जाएंगे। google.com खुलने के बाद इसमें हम Zenfone 2 अपडेट जैसे ही टाइप करेंगे, यहाँ देखिए ये एक Asus का ये वेबसाइट का लिंक दे रहा है जो है asus.com सपोर्ट डाउनलोड। ये पढ़ने के बाद ही ये सबसे पहला लिंक है, लिंक देख लीजिएगा। ये इसमें भी देखिए asus.com है, लेकिन ये Zentalk है। Zentalk में नहीं जाना, asus.com सपोर्ट डाउनलोड इस पेज पे डालना है। इस पेज के लिंक पे हमने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पेज खुल गया आपका। ये देखिए आपका मोबाइल का फिगर है और यहाँ ड्राइवर टूल्स वारंटी मैनुअल डॉक्यूमेंट ये टोटल चीज है। इस पेज पे आने के बाद हम इसका यहाँ फर्मवेयर में जाएंगे। इस चीज़ पर फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे, बाकी किसी पे क्लिक नहीं करना है। इस फर्मवेयर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका फर्मवेयर का इसका टोटल अब तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो खुल गया। ये सबसे पहला जो है आपका 4.21.40.182 एंड्रॉयड एम, ये मार्शमेलो का अपग्रेड है। ये आपका 9/11 को आप जब खोलेंगे उस डेट का यहाँ ऊपर रहेगा। ये देखिए 9/11 दिया हुआ है, 9/11 का ये अपडेट है। 1.19 GB इसका साइज है। इसको यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के पहले इसमें एक चीज़ देख लेना है कि ये आपके मोबाइल के लिए है या नहीं है। अब ये आपके मोबाइल के लिए है या नहीं है ये कैसे जानेंगे, इसके लिए हम अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर वर्जन देखेंगे। सेटिंग में जाकर ये निकाल लिया हमने, सॉफ्टवेयर का वर्जन निकालेंगे।
निकालने के बाद ये देखिए वर्जन में आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये मेरा जो फ़ोन है इसमें ये यहाँ WW लिखा हुआ, WW का मतलब है वर्ल्ड वाइड। ये साइट पे भी ये देखिए ये आपका WW वर्जन है, WW वर्जन का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वर्जन। इसके नीचे देखिए ये भी आपका W, ये लॉलीपॉप का है, इसका तो नहीं है। ये देखिए ये भी WW है। ये जितना नीचे जाइएगा नीचे का अपग्रेड आपका जितना अपग्रेड है सब इसी में रहता है। ये भी देखिए WW वर्जन है। तो ये देखिए JP वर्जन है। तो आपका जो वर्जन हो उसी के अनुसार आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ये वर्जन आप सबसे पहले मिला लीजिएगा अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर वर्जन जो है उसको निकाल के वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा वर्जन है, उसके अनुसार यहाँ से वही वर्जन आपको डाउनलोड करना है। ये देखिए चाइना का वर्जन हो गया, ये चाइना का वर्जन हो गया, ये आपका जापान का वर्जन हो गया JP, ये फिर वर्ल्ड वाइड वर्जन हो गया इस तरीका से। तो यहाँ हमारा जो वर्जन है ये हमारा वर्जन दिखा रहा है 4.1. ये जो है इसको यहाँ हमने क्लिक करके यहाँ से यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड के लिए आ गया। इसको यहाँ से डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ये आपका जो है सेव हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि जो सबसे ऊपर हो वही डाउनलोड कीजिएगा, मतलब अपने वर्जन के अनुसार। जितना नीचे जाइएगा उतना वो पुराना वर्जन मिलेगा, जो सबसे ऊपर होगा वो आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। इसको यहाँ ओके करने के बाद ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ इसलिए इसको अभी मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और ये पेज मैं मिनिमाइज कर दिया। अब देखिए मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये मेरा ULZ01 ये वर्जन मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ। अब इसको यहाँ से कॉपी करके हमें पहुँचाना है मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में। मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में ले जाने के लिए आप डाटा केबल से मोबाइल को PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या उसके कार्ड रीडर के जरिए मेमोरी चिप्स में भी डाल के भी इंटरनल मेमोरी में डाल सकते हैं या फिर OTG के जरिए भी पेन ड्राइव में लेके या किसी चीज़ में लेके OTG के जरिए भी डाल सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करके पहले अपने पेन ड्राइव में ले लेता हूँ और इसके बाद जो है OTG से कनेक्ट करके मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में डाल दूँगा। जो देखिए अभी जा रहा है मेरे पेन ड्राइव में। ये देखिए ये पूरा पेन ड्राइव में कॉपी हो गया। अब इसको मैं OTG के जरिए जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसको जो है OTG के जरिए ये मैंने निकाला, इसे मैंने मोबाइल में इसको OTG से कनेक्ट किया। ये देखिए मोबाइल के ऊपर ऑप्शन आ गया। अब मैं इसे खोलता हूँ यहाँ से। इसे यहाँ से खोला मैंने, ये पेन ड्राइव ये रहा। इसको ये देखिए मेरी ये फाइल यहाँ है। इसको यहाँ से कॉपी करके या कट करके जैसे भी करना है मैं कट करके ही पहुँचा देता हूँ। ये मैंने इसे मूव किया, मूव कर देना है इंटरनल स्टोरेज में। ये मैंने इसको इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट किया और यहाँ ओके क्लिक किया। ये अब आपका इंटरनल स्टोरेज में जा रहा है। जैसे ही इंटरनल स्टोरेज में जाना शुरू हुआ, देखिए इसको जाने दीजिए पहले, थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी इंटरनल स्टोरेज में जा रहा है। ये इंटरनल स्टोरेज में चला गया। अब इसको मैं पेन ड्राइव को निकाल देता हूँ।
पेन ड्राइव को यहाँ से मैंने अनमाउंट कर दिया। देखिए निकालते के साथ इसमें सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्टेड, ये यहाँ देखिए ये सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्टेड दिखा रहा है, ये आपका सिस्टम अपडेट फाइल। इस पर क्लिक करते ही आपका ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने लिख रहा टच टू स्टार्ट द सिस्टम अपडेट, मैंने इस पर टच किया और टच करते ही ऑप्शन आ गया सिलेक्ट अपडेट पैकेज। इसको जैसे ही आप ओके कीजिएगा ये आपका मार्शमेलो में आपका अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अपडेट करने के पहले इसमें जो इंटरनल मेमोरी में पहुंचाने के पहले चेक कर लीजिएगा कि बैटरी आपकी कम से कम 60 से 70% चार्ज रहनी चाहिए। अगर उससे कम चार्ज रहेगा तो ये ओके करने के पहले चार्जर ज़रूर कनेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो बीच में आपका अगर ये प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर आपका फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा, उसे फिर आपको सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग के लिए देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैटरी स्टेटस देख लीजिएगा, 70% 60% से ऊपर 70% तक हो बैटरी तभी अपडेट कीजिए, अगर नहीं हो तो पहले फुल चार्ज कर लीजिएगा। अपडेट करने के पहले इसको चार्जर भी साथ कनेक्ट करके लगा दीजिएगा, इसके बाद ओके दाबने के बाद ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीका से हम इसको अपने फ़ोन को मैनुअली मार्शमेलो अपडेट कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे अपडेट डाउनलोड करना है, कैसे उसको मोबाइल में ट्रांसफ़र करना और कैसे फिर उसको इंस्टॉल करना है। उम्मीद है कि आपने पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझा होगा एवं समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस होगा। इसके बाद भी अगर कहीं कोई तरह का कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का प्रॉब्लम आए, पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी कहीं पे किसी तरीका का दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे फेसबुक पेज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो भी सब्सक्राइब कर लिए, चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे के भी किसी तरह की टेक्निकल अपग्रेड आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे किसी नई ट्रिक्स एवं टिप्स के साथ।